please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज दिल्ली जाकर बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के नामों पर चर्चा करेंगे। नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने पर शिवसेना के मुख्य पत्र सामना ने तंज किया और पूछा, क्या एनडीए छोड़ते वक्त नीतीश ने पीएम मोदी पर जो कीचड़ उछाला था उसके दाग धुल गए हैं। गुजरात में 3 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल हुआ। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर 6 हमले किए जिनमें 1 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। अमेरिका के पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप आदेश दें तो वो अगले हफ्ते ही चीन पर परमाणु हमला कर देंगे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने पर वाराणसी में शिवसेना ने लगाए तारीफ में पोस्टर तो बिहार में सीपीआई एमएल ने मनाया विरोध में धिक्कार दिवस। दिल्ली के संगम विहार इलाके में कुछ बदमाशों ने मामूली कहासुनी पर एक लड़के को तेजाब पिला दिया। आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने के मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे को समन जारी किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भविष्य तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट आज पनामा पेपर लीक मामले में फैसला सुना सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। रूस पर पाबंदी लगाने का बिल दस्तखत के लिए पहुंचा ट्रंप के पास तो पुतिन ने चिताते हुए कहा कि वो इसका माकूल जवाब देंगे। निर्देशक मधुर भंडारकर की विवादित फिल्म इंदु सरकार आज से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट खो चुकी श्रीलंकाई टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी 246 रनों की जरूरत है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चाणक बीएनआर होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था आईसीजे यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को अपने कानूनी ढांचे में बदलाव की नसीहत दी।